हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक है, ये जो है हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है और मैं बताऊंगा आपको एकदम इजी ट्रिक से, बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले इसके पहले कुछ याद करना पड़ेगा, जो कि वो भी बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ये होगा, तो हम लोग का आंसर डिजिट ये निकालना है। मीन्स अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अगर 1 देता है तो हम लोग का आंसर में यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का 4 देता है तो इसमें 2 या 8 आएगा। अगर इसमें 5 देता है तो इसमें भी 5 ही आएगा आंसर में। और अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 देता है तो आंसर में हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। या तो अगर 9 दिया है क्वेश्चन में यूनिट डिजिट तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। हाँ, अब देखो नोट वाली बात यह है कि इफ यूनिट डिजिट्स आर 2, 3, 7, 8 then that is not a perfect square. अगर कोई सा भी दिया है स्क्वायर रूट दिया है, अगर उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, ठीक है, तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी यूनिट डिजिट का अगर उसमें अगर आता है 2, 3, 7, 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है 7921 का रूट निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ का 2 डिजिट और यहाँ का 2 डिजिट, मींस हर बार 2 डिजिट इधर कर लेंगे और इधर कर लेंगे। ठीक है, मान लो 3, 5 डिजिट का है तो इधर 2 डिजिट लेंगे, इधर 3 डिजिट लेंगे। मान लो 6 डिजिट का है तो यहाँ का 2 डिजिट, इधर का 4 डिजिट, ऐसे लेते जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका ये 2 डिजिट का इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 1 का क्या होगा यूनिट डिजिट 1 का 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब ये 79, अब 79 किसके स्क्वायर में आता है, 9 का कितना होता है 81 हो जाएगा, अच्छा 8 का कितना होता है 64। ठीक है, 64 और 79 और किसके अंदर में आएगा, 99 का 81। ठीक है, तो 81 तो हमेशा इसमें छोटा वाला लेते हैं, मींस या तो ये 81 होगा या तो ये 89 होगा। ठीक है, क्या होगा हम लोग को अब आगे पता चलेगा। यहाँ पे समझ आया, ये 79 है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्क्वायर से निकाले तो क्या क्या होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है और 9 का कितना होता है 81 होता है। तो हम लोग को हमेशा छोटे वाले का ही लेना है। ठीक है, छोटे वाला मींस 8 का 64 है। ठीक है, ये किया है 81 तो बड़ा हो गया 9 से, ठीक है, 79 से। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच इसको लिखते हैं, ये जो है 79 जो दिया है 79। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि नियर बाय कौन सा है। अगर 81 है तो ये नीचे वाला होगा, अगर ऊपर क्या बोलते हैं इसके नियर बाय होगा तो क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। तो देखो ये 79 जो है 81 के नियर बाई है कि 64 के नियर बाई है, ये 89 के नियर बाई है, मतलब 81 के नियर बाई है, मींस हम लोग का आंसर जो होगा वो 89 होगा। मींस ये जो है 7921 जो परफेक्ट स्क्वायर हो किस उसका आंसर क्या है 89 है। एक बार और बताता हूँ, पहले इन 2 डिजिट को लेना है और इन 2 डिजिट को लेना है। तो इन 2 डिजिट में जो ये 1 है इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, या तो 1 होगा और या 9 होगा, ऐसा जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें से हम लोग को पर स्क्वायर लेना है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसमें से हम लोग को सबसे छोटा वाला वैल्यू लेना है, जहाँ पे 8 है छोटा वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे या तो 81 होगा या तो 89 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या करते हैं, ये 79 है इन दोनों के बीच रखते हैं, अगर इसके जो भी नियर बाई होता है तो वो हम लोग का आंसर होता है। तो देखो 79 64 के नियर बाई है कि 81 के नियर बाई है, तो ये 81 के नियर बाई है, मीन्स आंसर हम लोग का 89 होगा, नीचे वाला होगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं 2304 दिया, तो मैं जैसे बताया हूँ एक ये 2 डिजिट ये 2 डिजिट। अब देखो ये जो 4 का यूनिट डिजिट है इसमें क्या होगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा हम लोग का आंसर में। ठीक है, अब देखो ये किसके बीच आएगा, 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25। ठीक है, तो या तो ये 42 होगा या तो 48 होगा। ठीक है, तो अब देखो 4 का कितना होता है 16 और 5 का कितना होता है 25। अब देखो हम लोग यहाँ पे
23 को अगर रखेंगे तो ये किसके नियर बाई है, ये तो इसके नियर बाई है, 16 से तो थोड़ा सा दूर है, तो हम लोग का आंसर जो होगा वो 48 होगा, मीन्स 2304 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 48 है, समझ आया। ठीक, अब देखो इसमें देखते हैं 5041, अब देखो यहाँ पे भी वही करेंगे, ये दो डिजिट लेंगे, ये दो डिजिट लेंगे, अब देखो इसका या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 1 का 1 या 9, ठीक है। अब देखो ये किसके में आएगा, 77 जा कितना होता है 49 और 88 जा कितना होता है 64, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर होगा ये या तो 71 होगा या तो 79 होगा, ठीक है। अब देखो ये 49 और क्या है 8 का 64, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको 50 को पुट करते हैं तो ये किसके नियर बाई है, ये तो इसके नियर बाई है 49 के, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 71 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं 1521 पे, तो अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। ये दोनों का जब लिए, अब देखो इसमें अब ये किसका होगा, 3 का होगा, 3 का अब 3 का कितना होता है 9 होता है और 4 का कितना होता है 16 होता है, तो या तो यहाँ पे ये 31 होगा या तो ये 39 होगा, ठीक है। अब 3 का कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16, अब यहाँ पे 15 को अगर रखेंगे तो क्या होगा, ये तो इसके नियर बाई है, मीन्स ये जो है आंसर हम लोग का 39 होगा। अब देखो ऐसा 5 डिजिट का, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये 2 डिजिट लेंगे और ये 3 डिजिट बाद में लेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 9 का क्या होगा, या तो यहाँ पे 3 आएगा या तो 7 आएगा, आप देखो, ठीक है। इसका कितना होता है, इसका अगर स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो 15 का होता है 225 और 16 का होता है 256, सॉरी, तो 256 16 का और 17 का कितना होता है 289, मीन्स 16 का या तो ये 163 होगा या तो 167 होगा, 16 का कितना 256, 17 का 289, ठीक है। तो अब देखते हैं ये 265 किसके बीच है, ठीक, तो 265 किसके नियर बाई है, 265, ठीक, तो यहां से कितना होगा, ये जो है नियर बाई है इसके नियर बाई है 256 के, तो आंसर हम लोग का क्या होगा, ऊपर वाला है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, मींस ये 163 का क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक। अब देखते हैं इसमें 38416, अब देखो 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये दोनों इसको लेंगे और इन तीनों को लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 6 का या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। अब ये किसका है, ये तो 19 या तो 194 आएगा या तो 196 आएगा, ठीक। 19 मींस 381 होता है 19 का और 20 कितना होता है 400, ठीक। तो अब देखो ये 384 को हम लोग अगर रखते हैं तो ये किसके नियर बाई है, ये तो 381 के नियर बाई है, मीन्स हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा 194, ठीक। अब देखो ऐसे जैसे 6 डिजिट दिया है, ठीक, तो ये 24 का अलग से निकालेंगे और ये 4 डिजिट का अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 4 का, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब देखो ये जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, 3226 का, ठीक है, या तो 56 होगा या तो 57 होगा, 56 का कितना होता है 3136, मीन्स यहाँ पे या तो 562 आएगा या तो 568 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है, तो 56 का होता है 3116 और 57 का होता है 3249, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे 3226, तो ये तो बहुत दूर है, नजदीक क्या है, ये है, मींस हम लोग का जो आंसर होगा ये 568 का होगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको आसानी से पता चल जाए इसलिए बता। अब जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का ऐसे जनरली ऐसा नहीं पूछता है, हम लोग को जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मींस अंडर रूट 9216 माइनस अंडर रूट 7396 प्लस अंडर रूट 3969, ठीक है। तो
ये जो ऑप्शन दिया है या तो 93, 97, 90 सॉरी 62 और 98। अब देखो इसमें से क्या ऑप्शन आने वाला है, तो आप लोग क्या है इसका ये मैं जैसे बताया उसी मेथड से ही निकाल लेना। मेरे को क्या है, मेरे को कर करके प्रैक्टिस हो गया है, तो मेरे को याद है कि कौन सा किसका हो जाएगा। मींस इसका 6 हो जाएगा, इसका 9, 9, 81 मींस 100, इसका होगा 96 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -66, इसका हो जाएगा +63। ठीक है, तो यहाँ से होगा ये माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 96 -3 ठीक है, तो क्या होगा 93 होगा। तो ये इसका आंसर है। ऐसे टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप अगर ऐसा सॉल्व करना आ गया आपको तो इसको भी बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।